हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज का जो हमारा टॉपिक है एंटोमोलॉजी में, वो है व्हाई वी स्टडी एंटोमोलॉजी, यानी हम एंटोमोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं और एंटोमोलॉजी का एनिमल किंगडम में कौन सी प्लेस है, यानी वेयर दे आर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। तो ये दो चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। Where the insect are placed in this distribution of insect in distribution of animals. जब हम इसकी distribution करते हैं species से लेकर आगे kingdom तक जाते हैं, तो insect यह इसमें कहाँ fall करते हैं? तो आपको पता है कि जी जो सबसे पहले distribution आ जाती है वो vertebrate और invertebrates की आ जाती है। तो vertebrates तो अलग हो जाती है और फिर invertebrates आ जाती है। तो invertebrates में फिर वो है जो कि जिसमें बैक बोन नहीं होता। तो ये इंसेक्ट जो है ये इन वर्टेब्रेट्स में आ जाती है, सही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया किंगडम है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। जो इसका फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा आपको पता है कि ये इन वर्टेब्रेट से स्टार्ट ले लेते हैं और फाइलम के बाद जो मेजर क्लासिफिकेशन की कैटेगरी और है वो फिर क्लास है। तो फिर क्लास जो है वो इंसेक्टा है। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम में और भी क्लासेस हैं जिसकी हम थोड़ी सी आगे इसकी थोड़ी सी जिक्र है, थोड़ा सा हमने मेंशन किया हुआ है कि आर्थ्रोपोडा के और कौन कौन से क्लासेस हैं। तो इसमें एक क्लास जो है वो क्लास इंसेक्टा है, ठीक है। और इस क्लास इंसेक्टा में जितनी भी इंसेक्ट्स हैं वो इस क्लास इंसेक्टा में शामिल है। तो इंसेक्ट जो है वो उनका किंगडम जो है वो एनिमेलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है और क्लास जो है उनका इंसेक्ट है। तो दिस इज द प्लेस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जी व्हाई एंटोमोलॉजी, व्हाई वी स्टडी एंटोमोलॉजी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी। हम एंटोमोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों एंटोमोलॉजी क्यों इतना मतलब आपकी सब्जेक्ट में शामिल है, लोग मेजर एग्रीकल्चर की फील्ड में शामिल है, जूलॉजी में शामिल है और फिर एंटोमोलॉजी में भी अप्लाइड एंटोमोलॉजी और है और सिर्फ एंटोमोलॉजी जो बेसिक है वो और है। तो व्हाई वी स्टडी एंटोमोलॉजी, ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम क्यों एंटोमोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो एंटोमोलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिस तरह पहले मैंने बात की, एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, और उनका जो रिलेशनशिप है ह्यूमन तक, ह्यूमन के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, ह्यूमन के जो ड्वेलिंग्स है या ह्यूमन की जो हैबिटेशन है उसमें जितनी भी फर्नीचर है उस पर अटैक्स करते हैं, जितना भी स्टोर ग्रेन्स होते हैं हमारे उसमें अटैक करते, फिर इकोसिस्टम में भी इंसेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए कहते हैं कि जी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, द एनवायरनमेंट और के जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है, जिस तरह मैंने आपको इकोसिस्टम का बता दिया, एंड अदर ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट का अदर ऑर्गेनिज्म के साथ भी एक खास रिलेशनशिप है इकोसिस्टम में। इसलिए हम एंटोमोलॉजी जो है उसकी इम्पॉर्टेंस है और हम एंटोमोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं। स्टडी दे स्टडी द वे बेनिफिशियल इंसेक्ट कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस। अब जो एंटोमोलॉजी है वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में भी दो किस्म के इंसेक्ट है। एक वो इंसेक्ट है जो कि बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग, यानी वो प्रीडेटर का काम करते हैं इंसान के लिए, जो हार्मफुल इंसेक्ट है उस पर प्रीडेशन करते हैं उसको कहते हैं, एक किस्म का बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, जो हार्मफुल इंसेक्ट है उस पर प्रीडेशन करते हैं उसको कहते हैं उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, सिमिलरली हार्मफुल इंसेक्ट इंटरफेयर विद ह्यूमन बींग फॉर फूड शेल्टर एट्सेट्रा, यानी जो हार्मफुल इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, वो इंटरफेयर करते ह्यूमन के साथ फॉर फूड शेल्टर एट्सेट्रा, एंड देयर स्टडी इज इम्पॉर्टेंट टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। जब आपके साथ इन चीज़ों के लिए ये आपके बड़े रिसोर्सेज है ह्यूमन की, वो अच्छे रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्स बेसिक रिसोर्स है, शेल्टर उसका बेसिक रिसोर्स है, तो ये जो इंसेक्ट है ये इंसेक्ट इन रिसोर्स के लिए इंसान के साथ इंटरफेयर करते हैं।
जब इंटरफेयर करते हैं तो उनको स्टडी करना और इसकी और उनकी इस इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करना जो है वो ज़रूरी है, इसलिए हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। एक और चीज़ में आपको इधर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसमें आपने पढ़े होंगे कि जी एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट एंड पेस्ट, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कि वहाँ पे आ गया तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसका डिफरेंस का पता होना चाहिए कि एक इंसेक्ट होती है, सही है, और एक पेस्ट होती है। तो इंसेक्ट की डिफिनीशन तो मैंने आपको बता दिया, सही है, इंसेक्ट की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी कि जी जो इंसेक्ट है और जो पेस्ट है उसकी डिफिनीशन थोड़ी सी डिफरेंस है कि जब हम पेस्ट को डिफाइन करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि जी पेस्ट आर दोस क्रिएचर्स, पेस्ट आर दोस क्रिएचर्स विच इंटरफेयर विद ह्यूमन बीइंग्स फॉर फूड शेल्टर एंड अदर रिसोर्सेस, ठीक है, यानी पेस्ट वो क्रिएचर है जो कि इंटरफेयर करते ह्यूमन के साथ फूड में, यानी उसके साथ उसका जो फूड है उस पर भी अटैक करते हैं, शेल्टर में भी आ जाते हैं और अदर रिसोर्सेज के लिए भी इनके साथ इंटरफेयर करते हैं, जबकि जो तो इसमें डिफरेंस क्या है, और इंसेक्ट जो है वो